बी का माइल चाइल्ड, तुम इस तरह रोएगा तो आंट सिंथिया की आत्मा को तकलीफ पहुंचेगा। डोंट क्राई, डोंट क्राई। ओके डैड, अगर ऐसी बात है तो आई विल नॉट क्राई। और वैसे भी मेरा हस्बैंड मारियो ने आंटी को जीती जी क्या कम तंग किया होगा। बेटे, मारियो तुम्हारे साथ नहीं आया। उस बेशरम को क्या पता कि फैमिली का कीमत क्या होता है। नशे की हालत में पड़ा होगा किसी रोड पर। उसका इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी ने तुम्हारा नहीं पूरा गोम्स फैमिली का लाइफ बर्बाद कर दिया। बेटे, आंटी का फ्यूनरल तो 2 दिन पहले हुआ था ना, और ये टॉम्स्टोन भी नया है, इस पे इतना बड़ा क्रैक कैसे आया? ये क्रैक पता नहीं बेटा। ओ गॉड, और देखिए डैड, आस पास ये मिट्टी। डैड, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी ने खोदा हो। What are you saying, Flavia? ये सिंथिया का कब्र कौन खोदा? कुछ तो गड़बड़ है। Flavia, ये तुम क्या करता है? किसी का कब्र खोदना क्राइम है, क्राइम। ये तुम सिंथिया आंटी का कब्र क्यों? मुझे 100% यकीन है कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है, और मुझे तो डर है कि कहीं मारियो ने आंटी का कब्र खोदा होगा। मारियो ऐसा क्यों करेगा? पूरी जायदाद का झगड़ा पता होने के बाद भी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो? लेकिन प्लीज डैड, हेल्प मी। खोलिए उसे। डियर आंट सिंथिया, आपको आपकी ये नीज एमिली बहुत मिस करेगी। काश आप भी हमारे साथ होती। अजीब, बहुत अजीब। किसने मारा इसे इसका गला घोंटकर? गले में चेन डालकर मारा इसे। ये देखो, इसके गले पे चेन की कड़ियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। साफ, ये चेन मिली बार कोने में। इसी चेन से गला घोटा गया इसका। आर रिचर्ड, मेरी भांजी एमिली का पति। बट इंस्पेक्टर, ये चेन रिचर्ड्स का नहीं है, एमिली का है। एमिली रहती कहाँ है? रिचर्ड, आर सिंथिया की बॉडी हमारे घर पे, इतनी दूर उस ग्रेवयार्ड से। मुझे नहीं पता कैसे, अब मैं क्या करूं?
रिचर्ड, बॉडी बहुत भारी, मैं इसे नहीं उठा सकती। तुम कब पहुंच रहे हो घर? जल्दी आओ वरना पुलिस। ओह माय गॉड, दरवाजा खुला है। ओह माय गॉड, सिंथिया का बॉडी यहाँ? मारियो मर चुका है। What? और उसे तुमने मारा है। You are under arrest, Mrs. Emily Francis. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा। ये सब झूठ है। चलो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे। नहीं। मिसेस बिलमोरिया, क्या आप लोग जानते हैं कि कब्रिस्तान के चारों ओर जो दीवारें होती हैं, वो इतनी ऊंची क्यों होती? नहीं सर, क्यों? सिंपल, क्योंकि ये रिंगटोन तुमने लगाई है मेरे फोन पे। यस सर। बैड रिंगटोन। हेलो, रिचर्ड फ्रांसिस तुम्हारे पास अपनी बीवी का केस लेकर आएगा। उसका केस मत लेना वरना पछताओगे। अच्छा, रियली थैंक यू फॉर द एडवाइस, लेकिन आप कौन? हेलो हेलो, दैट्स वियर्ड, लाइक योर रिंगटोन, दैट्स आल्सो वियर्ड, प्लीज चेंज इट। यस सर, अब सर आई विल गेट दैट। एडवोकेट केडी पाठक, रिचर्ड फ्रांसिस। आपको कैसे पता? मेरे जासूस चारों ओर फैले हुए हैं। जस्ट जोकिंग। बताइए मिस्टर फ्रांसिस, आपका कौन सा केस है जो मुझे नहीं लेना चाहिए? रिचर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इस लॉकअप में अकेले मत छोड़ो। यहाँ आसपास सारे खूनी हैं, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी को नहीं मारा मैंने। जब से यह हादसा हुआ है ना केडी, तब से बस ये ऐसे ही डरी सहमी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। तो अब तुम ही बताओ रिचर्ड, ये कब्रिस्तानी कहानी का राज क्या है? गोम्स फैमिली में सबसे बड़ी आंट सिंथिया थी। उन्होंने शादी नहीं की और मारियो गोम्स उनके भाई के बेटे थे और एमिली उनकी बहन की बेटी। मारियो और एमिली दोनों ही कजन्स थे और मैं रिचर्ड फ्रांसिस एमिली का पति हूं। और वहां बैठी फ्लाविया गोम्स, मारियो की बीवी। और वो दोनों कौन हैं? वो अंकल एल्बर्ट हैं, आंट सिंथिया के छोटे भाई, और जो उनके बगल में बैठा है वो रॉजर। वो आंट सिंथिया की देखरेख करता था। यानी कि एक अकेली बूढ़ी आंट सिंथिया और आप सब उनके परिवार के लोग। जी, जिसमें से सबसे बड़े हैं एल्बर्ट गोम्स। योर ऑनर, मेरा बड़ा सिस्टर सिंथिया का गोवा में 40 एकड़ जमीन है। उस जमीन का मार्केट वैल्यू 70 करोड़ से कम नहीं। एमिली और मारियो का दोनों का इस जमीन पर नजर था और हमको ऐसा लगता है कि उसी जमीन के वास्ते एमिली ने मारियो को मार डाला। Thank you.
भी यही शक है। योर ऑनर, 8 मार्च को सेंट मार्क्स कब्रिस्तान से जब पुलिस को सिंथिया गोम्स की कब्र से उनके भतीजे मारियो गोम्स की लाश मिली, तो उसके साथ एमिली की ये चेन भी मिली, जिससे मारियो गोम्स का गला घोटा गया था। जाहिर है पुलिस उसके बाद एमिली के घर पहुंची, जहां से शॉकिंगली उन्हें सिंथिया गोम्स की लाश बरामद हुई। शॉक तो मैं आपकी बातों से हूं प्रोसिक्यूटर साहिबा। अगर मैं अपना ये पेंसिल आपकी मेज पर छोड़ दूं, तो क्या इससे ये साबित होता है कि आपने मेरा ये पेंसिल चुराया है? डेफिनेटली नॉट योर ऑनर। सिंथिया गोम्स की लाश को कोई एमिली के दरवाजे पर छोड़ गया था। इसका क्या सबूत है? किसी ने उस लाश को वहां लाते हुए देखा? इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन एमिली को किसी ने लाश ले जाते हुए भी नहीं देखा। लेकिन छुपाते हुए देखा इंस्पेक्टर दवे, मिस्टर अल्बर्ट गोम्स और फ्लाविया गोम्स ने। और सिर्फ जुर्म को छुपाया जाता है। ये जुर्म एमिली ने किया क्योंकि उसके जूतों के निशान कब्रिस्तान में मिले। योर ऑनर, उस कब्र के पास गड़े फुटप्रिंट्स की फोटोग्राफ्स, जो एमिली के सैंडल्स की हैं, ये सैंडल्स जो इंस्पेक्टर दवे को उस दिन एमिली के घर से मिले। Order, order. और इन सैंडल्स पर जो मिट्टी है उसी कब्रिस्तान की है। ये तो क्लियर सबूत है कि एमिली वहां गई थी। और इतना बेहतरीन प्लान लेकर मारियो को मारकर उसकी लाश को ऐसी जगह छुपाना जहां उसे ढूंढने की कोई सोच भी नहीं सकता, एक कब्रिस्तान की 6 फुट नीचे कब्र में, कब्र भी किसी और के नाम की, आंटी सिंथिया, जिसे 2 दिन पहले ही 100 लोगों ने दफन होते हुए देखा। कहना पड़ेगा एक्सलेंट हाइडिंग प्लेस एमिली, लेकिन अफसोस सिंथिया की लाश को ठिकाने लगाते हुए इंस्पेक्टर दवे ने एमिली को रंगे हाथों पकड़ा और जीनियस प्लान फ्लॉप हो गया। योर ऑनर, मुझे प्रोसिक्यूटर साहिबा को याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं कि हर मर्डर का एक मोटिव होता है, कत्ल की वजह, पर एमिली के पास कत्ल की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि आंटी सिंथिया ने खुद अपनी जायदाद इसी वसीयत में एमिली के नाम लिख दी थी। अजीब बात है मिस्टर डिफेंस काउंसिल, बिल्कुल एक ऐसी वसीयत मेरे पास भी है जिसमें जायदाद का वारिस एमिली नहीं मारियो गोम्स है। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, एक जायदाद के 2 दावेदार, कजन्स मारियो और एमिली, इसीलिए एमिली ने मारियो की जान ली ताकि मारियो की मौत के बाद सारी जायदाद एमिली फ्रांसिस के नाम हो। इंसान दो अलग अलग वसीयत क्यों बनाएगा? मैटर वही, डेट भी सेम, सिर्फ नाम अलग। नेती, आंटी सिंथिया कहां तक पड़ी थी? सर, रिपोर्ट के मुताबिक
वो एक एमकॉम ऑनर्स थी। एमकॉम? फिर सिग्नेचर की जगह अंगूठा क्यों लगाया? स्ट्रेंज। मेबी नॉट, नेती पार्किंसंस डिजीज था उन्हें। वो क्या है? मिसेस बिलमोरिया पार्किंसंस डिजीज, जहां मरीज के हाथ पांव हिलते हैं, ट्रेमर होते हैं, इसीलिए वो पेन उठाकर सीधा सिग्नेचर नहीं कर पाते, जिसके कारण आंटी सिंथिया ने अंगूठा लगाया था। प्लीज चेंज दिस रिंगटोन। केडी पाठक, केडी पाठक, इस केस को छोड़ दो वरना पछताओगे। सुनिए मिस्टर धमकी वाले, मैं हेलो हेलो वो इच धमकी वाला फोन, तुम ये कॉल ट्रेस क्यों नहीं कर सकते? अनट्रेसेबल नंबर है मिसेस बिलमोरिया। नेवर माइंड, वो उसका काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। नीति, गैजेट ऑफिस से पता करो कि ये दोनों स्टैम्प पेपर्स किस डेट पे इश्यू हुए थे। योर ऑनर, सिंथिया गोम्स की दो वसीयत, दोनों पर सब्जेक्ट मैटर एक समान, डेट्स भी सेम, लेकिन इनमें से एक उनकी मौत के पहले बनाई गई थी और दूसरी उनकी मौत के बाद। ऑर्डर, ऑर्डर। केडी, ये तुम कैसे कह सकते हो? योर ऑनर, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के मुताबिक जब भी कोई स्टैम्प पेपर इश्यू किया जाता है तो रजिस्टर में उसका डेट ऑफ इश्यू दर्ज किया जाता है। एमिली गोम्स के नाम जो वसीयत है उसका स्टैम्प पेपर 9 महीने पहले इश्यू किया गया था, लेकिन मारियो गोम्स के नाम जो वसीयत है उसका स्टैम्प पेपर सिंथिया गोम्स के मौत के 2 दिन बाद इश्यू किया गया है। तो फिर इस पर सिंथिया गोम्स के अंगूठे का निशान कैसे आया मरने के बाद? अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर, इस केस से यह जाहिर हुआ है कि मौत के बाद भी अंगूठे का इस्तेमाल किया जा सकता है वसीयत पे थंब इंप्रेशन लेने के लिए, भले ही ऐसा करने के लिए कब्र ही क्यों ना खोदनी पड़े, राइट मिस्टर अल्बर्ट? मिस्टर अल्बर्ट, ये कब्र खोदने का शवल आपका ही है या नहीं? इज इट योर्स और नॉट? जी जी, ये शवल मेरा ही है, लेकिन 2 महीने पहले रॉजर ने मुझसे बोरो किया था। योर ऑनर, मैं रॉजर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? मिस्टर रॉजर परेरा, ये आपके हाथ को क्या हुआ? वो पिछले संडे मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था तो फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया? हाउ पेनफुल, हाउ सैड। एनीवे रॉजर, 10 साल तुमने आंटी सिंथिया की सेवा की, बड़े दुख की बात है कि उसके बावजूद उनकी जायदाद में से तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं। वादा नहीं साहब, मैडम सिंथिया ने मुझे बेटे की तरह रखा था, उन्होंने कभी मुझे नौकर समझा ही नहीं, और यही मेरे लिए काफी है। मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब। वाह क्या बात है, व्हाट अ नोबल थॉट। अगर दुनिया में हर इंसान तुम्हारी तरह होता तो दुनिया कितनी सुंदर होती, सोचो। वैसे पता नहीं कि तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन एमिली के बाद 70 करोड़ की जायदाद के मालिक तुम। यानी कि अगर एमिली को कुछ हो जाता है, फांसी हो जाती है या उम्र कैद भी हो जाती है, तो तुम सीधा डायरेक्ट नौकर से मालिक। क्या? सिलेविया मैडम ने तो मुझसे झूठ बोला, उसने कहा कि मेरा नाम जायदाद में कहीं है ही नहीं। रियली? यानी ये पूरा हिस्सा ये लेना चाहती है? नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ, और मिलना भी चाहिए तुम्हें तुम्हारा शेयर, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कमेलियन क्या होता, जानते हो तुम? क्रिकेट
जो रंग बदलता रहता है। क्योंकि देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि तुम्हें पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं, और अब तुम कह रहे हो कि मुझे मेरा शेयर चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि मैडम फ्लाविया ने आपको झूठ क्यों बोला? योर ऑनर, मैं फ्लाविया को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? मारियो की वजह से सर। मारियो नहीं चाहता था कि रॉजर को इस बात के बारे में कभी भी पता चले कि उसका नाम भी वसीयत में है। मारियो ने मुझे धमकी दी थी कि ये बात मैं उसे कभी ना बताऊं। पति ने पत्नी को धमकी दी, इट्स नॉट अ गुड थिंग, नॉट गुड एट ऑल। कैसा पति था मारियो? मारियो एकदम अच्छा पति नहीं था। वो घर में कम और बार में ज्यादा रहता था। उसकी शराब पीने की गंदी आदत और उस पर सी अय्याशियां। मेरा लाइफ तो उसने एकदम जहन्नुम बना दिया था सर। शायद इसीलिए तुमने सोचा कि उसे जहन्नुम पहुंचा दो, है ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेंड। सॉरी योर ऑनर। सॉरी फ्लाविया, तुम्हारा दिल दुखाने का मतलब नहीं था मेरा। एनीवे, अगला सवाल। योर ऑनर, इस केस का एक बहुत ही अहम विटनेस पुलिस की गिरफ्त में आया है। उस कब्रिस्तान का पहरेदार पीटर डिसूजा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैं उसे अदालत में पेश कर सकूं। योर ऑनर, दिस इज इनकरेक्ट प्रोसीजर। इस विटनेस के बारे में डिफेंस को बताया ही नहीं गया। पीटर की गिरफ्तारी एक घंटे पहले हुई, मुझे भी अभी पता चला है। योरोना केडी, मर्डर केस में ऐसी अहम गवाही को रोका नहीं जा सकता। पीटर डिसूजा को पेश किया जाए। हमको माफी दे दो जज साहब, हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। हमको इसके लिए बहुत मनी दिया गया था। किसने दिया वो पैसा? फेस नहीं देखा। हाँ, क्योंकि सारा बात और ऑर्डर फोन पे आया था। हाँ, मगर वो एक आदमी था, उसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। उसका नाम रिचर्ड था साहब। नहीं, मैंने किसी को फोन नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर रिचर्ड, आप बैठ जाइए। मेरा शक सही निकला योर ऑनर। ये पूरी साजिश अकेली एमिली की नहीं थी, उसके पति रिचर्ड ने भी उसकी मदद की। एमिली और रिचर्ड फ्रांसिस ने मिलकर मारियो को मारा। योर ऑनर, मे आई अप्रोच द बेंच? You may. Your Honor, इस नए विटनेस, नए सबूत की रोशनी में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन पीटर डिसूजा की गवाही के बाद तुम्हारा केस और भी कमजोर हो गया। Your Honor, पीटर ने सिर्फ उसकी आवाज सुनी है, चेहरा नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है कि कोई तो है जो इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वही शख्स मुझे भी धमकियां दे रहा है, और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ कोर्ट में। Your Honor, प्लीज टेक मोर टाइम। तो तुम्हें ये काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा केडी, क्योंकि कल सुबह 9:30 से 10:30 के बाद इस केस की अगली तारीख 10 दिन बाद की है। तुम 10 दिन तक इंतजार करना चाहोगे या नहीं? योर ऑनर, 10 दिन में कुछ भी घुमाया जा सकता है। टुमारो मॉर्निंग इज ओके। ग्रांटेड, थैंक यू योर ऑनर। इस केस की सुनवाई कल सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में की जाएगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। एल्बर्ट रॉजर फ्लाविया रिचर्ड, ये चारों अभी भी शक के दायरे में। इन चारों में से कोई भी हो सकता है।
या फिर कोई और? बोलिए मिस्टर धमकी सिंह। कल सुबह अदालत मत आना, वरना मारियो के साथ जो हुआ तेरे साथ भी होगा केड़ी। Bloody idiot. किसी का खून नहीं किया, किसी को नहीं मारा मैंने। जी ये शवल मेरा ही है, लेकिन 2 महीने पहले रॉजर ने मुझसे बोरो किया था। नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मारियो एकदम अच्छा पति नहीं था। उसका नाम रिचर्ड था साहब। नहीं, मैंने किसी को फोन नहीं किया। मेरा शक सही निकला योर ऑनर। एमिली और रिचर्ड फ्रांसिस ने मिलकर मारियो को मारा। सुबह के 4 बज गए नियति। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सर लेकिन आप? मुझे जाना है अभी सेंट मार्क्स ग्रेवयार्ड। गुड बाय केड़ी। ऑफिस से बोल रही हूँ। केडी सर अब तक ऑफिस ही नहीं आए और 9:30 बजे हमें कोर्ट भी पहुँचना है। जी मैंने उनका फ़ोन ट्राई किया और बिल्कुल आउट ऑफ रीच है। हाँ सुबह के 4:30 बजे वो कब्रिस्तान गए थे। आई मीन आई होप ही इज़ ओके, आई एम वरीड। गीली मिट्टी की खुशबू। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड मिस्टर केडी पाठक, नॉट गुड एट ऑल। इज एनीबडी देयर? केडी सर की गाड़ी? Calm down, Kitty. Easy. पैनिक मत करो। पैनिक करोगे तो सांसें तेज चलेगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। Easy. You can do it. Okay. Let's think about this. Next step. Cell phone. Right. Cell phone.
जरूर सर, अंदर होके। केडे, केडे, केडे। झिलमिल जी, यहाँ नहीं, कब्रिस्तान के अंदर। अरे नियति, एक जिंदा आदमी कब्रिस्तान में क्या करेगा, कहीं बाहर होगा। केडे। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। यदि मेरी लड़की मरवाएगी यार। केडी सर, no signal. Oh, come on. I can't die in a coffin. Alive. That's very silly. Hey, hey. Signal भी नहीं है। इसलिए तो सर का फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। केडे, केडे सर। इतने सालों में कभी किसी केस में वो लेट नहीं आया, अभी आज क्या हो गया? ओह गॉड, अब तो केस का वक्त हो गया है, हमें कोर्ट चलना होगा, क्या करें? तो मैं तब से यही तो कह रहा हूँ ना नियति, चलो। नियति का टेक्नो रिंगटोन बजाता हूँ, शायद कोई सुन ले। हो सकता है ये किसी डीजे की कब्र होगी, अंदर भी बचा रहा होगा बेचारा। टेक्नो बीट्स, मेरा रिंगटोन। कान बज रहे हैं तुम्हारे कान, कब्रिस्तान है ये। अभी चलो, लेट हो रहे हैं, कोर्ट मुकदमा शुरू हो गया होगा। चलते। योर ऑनर, आधा घंटा हो गया है और केडी का कोई नामो निशान नहीं। Oh well, KD, I think you're finished. सेल फोन पे सिग्नल नहीं, कोई तेरी आवाज नहीं सुन रहा। ये तेरा आखिरी केस था और ये तेरी पहली और आखिरी कबर। सॉरी टू से, गुड बाय KD। गुड बाय KD। गुड बाय KD। ओह माय गॉड, अब समझ में आया मारियो का खून किसने किया, लेकिन क्या फायदा, कैसे साबित करूंगा कॉफिन में? Your Honor, मेरी राय है आप इस केस का फैसला सुना दीजिए। नहीं माया, मैंने केडी को एक घंटे की मोहलत दी थी, अभी भी आधा घंटा बाकी है। Let us wait. केडी, you can't die so easily, इतनी आसानी से नहीं मर सकते तुम। सोचो, सोचो कैसे बाहर निकलोगे। कार कीज, गाड़ी की चाबी, गाड़ी का सिक्योरिटी लॉक, शायद कोई देख ले। रेडियो सेंसर्स दीवारों से पास होते हैं। झिलमिल जी, गाड़ी की लाइट। मुझे लगा था कि केडी अंदर ही होगा और सो रहा होगा। केडी, केडी सर, केडी, केडी, केडी सर, केडी, अंदर तो कोई नहीं है। मैंने कहा था कि गाड़ी उसकी खराब हो गई होगी, गाड़ी यहीं छोड़ करके वो कोर्ट चला गया होगा। चलो। नहीं झिलमिल जी, आई एम श्योर ये कोई इशारा है हमारे लिए। केडी सर हमें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम श्योर। हो, तुम पागल हो, चलो मेरे साथ चलो। देखिए, आप आए या नहीं आए, आई एम श्योर केडी सर अंदर है, मैं अंदर जा रही हूँ। अरे यार, ये लड़की फिर मरवाएगी। नियति, नियति, केडी सर। अरे क्या केडी, केडी यार। थिंक नियति, थिंक। सर का रिंगटोन मैंने सुना था। इस कब्र में जिंदा। हाँ नियति, तुम पागल हो गई क्या?
इस कब्र के अंदर केडी जिंदा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चिलमिल जी ये देखिए, यहाँ की तारीख है 1991, यानी कि 20 साल पुरानी, और यहाँ की मिट्टी देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसने अभी इसमें डाली हो। एक मिनट, I'm very sorry नियति। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा था कि कुछ तुम्हें, लेकिन नहीं, इंटेलिजेंट, फैंटास्टिक, क्या तुमने ढूंढ निकाला। एकदम इस कब्र की मिट्टी ताजा है, ऐसा है लगता है कि अभी अभी ये कब्र को दफनाया गया है। चिलमिल जी हमें ये खोदना होगा अभी इसी वक्त। मैं नहीं खोदूंगा कब्र। लेकिन आप ही तो। नहीं, मैं कब्र को हाथ नहीं लगा सकता। मैं अच्छा ठीक है, आप किसी की मदद तो ले सकते हैं ना। With due respect, Your Honor, KD का ये court hearing miss करना साफ कहता है कि उसके पास अपनी client की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। Prosecution की गुजारिश है कि आप इस केस का फैसला सुनाएं। ठीक है। साढ़े दस बजने वाले हैं और Your Honor, लेकिन अभी तक 10:30 बजे नहीं। केडी, ये कोई टाइम है अदालत पहुंचने का? I'm extremely sorry, Your Honor. Have you forgotten the decorum of the court? तुम्हारा ड्रेस कोड का? मैं अदालत का वक्त जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए इसी तरह आना पड़ा। What has happened to you? ये तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? दरअसल बात यह है कि अब तक मैं उसी कब्रिस्तान में 2 गज जमीन के नीचे गाड़ा गया था। क्या? Violence in the court, please. किसकी हरकत है ये? उसी की, और ऑनर जो नहीं चाहता कि मैं मारियो के कातिल को ढूंढ निकालूं। तुमने उसका चेहरा देखा है? चेहरा तो नहीं देखा योर ऑनर, लेकिन उसकी आवाज सुनी है। कौन है? योर ऑनर, जब से ये केस शुरू हुआ है मुझे फोन पे धमकी आ रही है, और आज कब्रिस्तान में जब मैंने वो आवाज सुनी, गुड बाय केडी, तो वही आवाज थी, लेकिन एक फर्क, उसमें एक टोन था जैसे कि फोन पर हमें सुनाई देते। यानी? इसका मतलब योर ऑनर कि कोई वॉइस चेंजर या वॉइस डिस्टॉर्टर से बात कर रहा है। एक ऐसी मशीन जो पतली आवाज को मोटी बनाती है। योर ऑनर, इस केस से जुड़े सभी लोगों में 2 ही लोग हैं जिनकी आवाज पतली है, एमिली और फ्लाविया। और चूंकि एमिली जेल में थी, जाहिर सी बात है कि यह आवाज फ्लाविया की है। मेरा हस्बैंड मारियो और मेरे डैड एल्बर्ट
दोनों ने मिलकर एक झूठी वसीयत तैयार की और उसके ऊपर सिंथिया आंटी के लाश के अंगूठे का निशान लगाया। मारियो ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहता था पर मेरे साथ नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी मुझे धोखा देकर। इससे पहले कि वो मुझे धोखा देता, मैंने उसे धोखा दे दिया उसकी जान लेकर। उस दिन मैं एमिली के घर गई, मैं अभी पानी लाती हूँ। वहां से उसके जूते और चेन चुराया और उसी चेन से मैंने अपने पति का मर्डर कर दिया। फिर तुमने बड़ी होशियारी से टूटी हुई कब्र का राज फाश किया ताकि कोई तुम पे शक ना करे। फिर बड़ी चालाकी से एमिली के घर गई और उसके चुराए हुए जूते तुमने वहीं रख दिए। ताकि दवे को इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो वहां से बरामद हो। बस एक आखिरी चीज, वो जो आप आवाज बदलने के लिए जो बॉक्स यूज करती है वो जरा आपके बैग में ही होगा, चेक करिए जरा। इस वॉइस चेंजर के जरिए मैंने कब्रिस्तान के कब्र खोदने वालों को रिश्वत दी और उन्होंने मेरे ही कहने पर मारियो की लाश वहीं पर दफन कर दी और आंटी सिंथिया की लाश एमिली के घर छोड़ दी। The confession is now complete, Your Honor. फ्लाविओ गोम्स के इकबाले जुर्म के बाद अदालत उन्हें फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। नहीं, नहीं, चला। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, छोड़ो मुझे। और इस केस से जुड़े एल्बर्ट गोम्स पर अदालत अलग से मुकदमा चलाने का हुक्म देती है और एमिली फ्रांसिस इन्हें अदालत मारियो गोम्स के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत परी करती है। लगता है तुम मेरा पीछा कब्र में जाने के बाद भी नहीं छोड़ोगे केडी। पन इंटेंडेड और अनइंटेंडेड। कांग्रेचुलेशन। सॉरी हाथ नहीं मिला सकता, हाथ जरा काले हो गए। लेकिन अच्छा है मुंह काला होते होते बच गया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। वेल डन सर, ग्रेवियार्ड मिस्ट्री सॉल्व्ड। अब उस ग्रेवियार्ड रिडल का भी जवाब दे दीजिए ना प्लीज। इन्होंने यति पहले मुझे बहुत फनी लगता था लेकिन खुद कब्र में जाने के बाद आई डोंट फाइंड इट फनी एनीमोर। अब सर प्लीज मुझे जानना है, आई एम वेरी क्यूरियस। जानना सर? नहीं प्लीज बताइए ना, क्यों कब्रिस्तान के चारों ओर ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं? व्हाई? ओके, इफ यू इंसिस्ट। कब्रिस्तान के चारों ओर ऊंची दीवारें होती है क्योंकि लोग अंदर घुसने को मरते हैं।
I told you it's not funny anymore. Am I right or am I right? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.